नमस्कार, आज मैं आप लोगों को परवल का अचार बनाना बताती हूँ। ये देखिए, ये देसी परवल मैं ली हूँ पूरे। ये इसको धो के थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए डाल दी हूँ। हाँ, देखिए, ये देखिए, इस परवल को, देसी परवल है, इसको ऐसे करके हम छील लेंगे चारों बगल से और ये साइड इसका निकाल देंगे और ये बीच से, चाकू के बीच से ये परवल का बस आधे में ये चीरा लगा के काट देंगे। इस तरह ये बीच में चीरा लगा करके ऐसे ही मैंने सारे परवल को लेकर के काट धो करके काट ली हूँ और ये बीच से चीरा लगा दी हूँ। ये 1 किलो देसी परवल है। ये देसी परवल का अच्छा स्वाद बनता है क्योंकि उसमें बीज नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं, जो उतना स्वाद खराब नहीं करता। ये देखिए, इसमें अब मैं करूंगी क्या, ये बड़े चम्मच से 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और ये 1 बड़ा चम्मच ही नमक डाल रही हूँ अभी। और ये सारे को मिला देंगे अच्छे से। इस परवल को धो करके हमने 1 घंटा 1.5 घंटा तक सुखा लिया है कपड़े पे, पुराने को कपड़े पे डाल के रख दिए हैं पंखे के हवा में, तो इसका पानी कपड़ा भी निचोड़ लिया और हवा में भी सूख गया है। पानी सूखने देंगे तभी नमक और ये हल्दी पाउडर डालेंगे। इस परवल में मैं मिर्ची 1 चम्मच डाली हूँ और आधी आधी चम्मच सौंफ और अजवाइन डाल दी हूँ। अब इसमें मैं राई का पाउडर डालूंगी। ये राई डाली, पीस ली हूँ, काली वाली राई है, ये 3 चम्मच हम डाल देंगे। और इसको मिला लेंगे। ये मिलाने के बाद इसमें हम इसको हम हाथ से नहीं मिलाएंगे, चम्मच से ही मिलाएंगे। अचार हाथ से छूने से खराब हो जाता है। और ये डालने के बाद आम का रस रहेगा, बने आम का अचार बनाते हैं उसका रस रहता है तो वो डाल देंगे, नहीं जिसको रस रहेगा वो अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। और इसमें आम का रस डालने के बाद इसमें तेल डाल देंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। ऐसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और सब मसाले मिलाने के बाद एक बार थोड़ा सा टेस्ट कर लेंगे अचार का मसाला कि नमक ठीक है कि नहीं। अचार में नमक कम नहीं होना चाहिए। ये अभी तुरंत मिलाए हैं इस वजह से इतना नहीं मिल रहा है, 1 दिन बाद ये पूरा घुल जाता है। रस पानी भी छोड़ेगा और आम का रस भी डालेंगे इसमें तो होगा। मैं वैसे इसमें 3 चम्मच राई डाली हूँ, अगर आप ज्यादा मसाला पसंद करते हैं तो और डाल सकते हैं, पर मेरे हिसाब से 3 चम्मच सफिशियंट होता है क्योंकि इसमें बाकी मसाले भी पड़े हैं, गरम मसाला वगैरह। अब इसको रख देंगे हम धूप में। ये आम का अचार मैं बनाई थी उसका रस है, वो रस इसमें भी नमक और हल्दी है, इसीलिए ये परवल में कम डाली थी मैं नमक और हल्दी, और इसी में डाल के मिला लूंगी। मिला लेंगे। अब इसमें मैं हींग थोड़ा सा डालूंगी और जीरा और मेथी को थोड़ा सा गर्म करूंगी और फिर वो पीस करके डालूंगी और सबसे लास्ट में तेल डालेंगे ताकि ये 1 दिन 2 दिन ऐसे ही धूप दिखा देंगे सारे मसाला मिला के। और बीच में हम थोड़ा नमक के लिए सही है कि नहीं टेस्ट कर लेंगे, अगर कम हो तो थोड़ा और डाल देंगे। देखिए, ये पानी मसाला सारा ये हो गया है,
ये मिल जाएगा, इसी में धूप देख खाएंगे। मैं इसमें एक चम्मच मेथी दाना कढ़ाई में डाल के एक मिनट तक भून ली हूँ। फिर उसमें जीरा एक चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा डाल दी हूँ, उसको भी एक मिनट तक भूनी हूँ। और इसके बाद सबसे लास्ट में मैं इसमें धनिया डाल के गैस बंद कर दी। वो कढ़ाई के गर्माहट से ही गर्म हो गया है, उसको ज़्यादा नहीं भूनना है। और इस सब को मिक्सर जार में डाल के दरदरा पीस लूँगी। और अचार में पहले भी मैं एक चम्मच गरम मसाला डाली हुई हूँ, ये दरदरा मैं पीस ली सारे को। और अब इसको अचार में मैं डाल दूंगी और इसी के साथ हींग भी डाल दूंगी। इसमें ये हींग डाल रही हूँ और ये जो मसाला पीसी गरम मसाला ये मैं सारा डाल दूंगी। एक एक चम्मच ली थी, सारा भून दी हूँ के दरदरा पीसी हूँ, ये सारा हम डाल देंगे इसी में। और इसके बाद इसमें तेल डालेंगे और सारा मसाला मिलाने के बाद चेक कर लेंगे, टेस्ट कर लेंगे कि नमक ठीक है कि नहीं है। अगर कम होगा तो इसमें हम और डाल देंगे। और ये सरसों का तेल डाल दूंगी, करीब 250 ग्राम डालेंगे। सब कुछ डाल के ये शीशे के जार में हम डालेंगे, प्लास्टिक के जार में नहीं डालते, उसमें बदबू आ जाता है। अगर ना हो शीशे का जार तो प्लास्टिक का जार अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, उसमें रखो। मैं तो शीशे के जार में ही रखती हूँ। इस तरह 8 से 10 दिन तक इसको ढक्कन खोल के धूप में सुखा दिया करेंगे। हमारा अचार तैयार हो गया। इसमें मैं सारा कुछ मिला दी हूँ, ये तैयार हो गया है। अब इसको शीशे की जार में डाल के हम रख देंगे, तेल भी डाल देंगे 250 ग्राम। ये तैयार हो गया, ये सालों साल रहता है। मेरे पास 2 साल 3 साल के भी पड़े हैं, बस थोड़े से काले देखने में होते हैं, बाकी ताजे में बहुत अच्छा कलर होता है। और इसको 8 से 10 दिन तक ढक्कन खोल के धूप में सुखाएंगे। थैंक यू।